बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी में आगे पढ़ेंगे और अगला चैप्टर तुम्हारा है। हम लोग पढ़ेंगे इस बार ई की मात्रा। कौन सी मात्रा? ई की मात्रा। कौन ई? छोटी ई की मात्रा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहां लिखा हुआ है छोटी, छोटी ई की मात्रा ब्रैकेट में देखो किधर से लगता है, इधर से लगता है, ठीक है ना। हैं? तो हम लोग जैसे कोई अक्षर बोलेगा, जैसे लिखा हुआ है कोई, हम अक्षर लिखते हैं, ये लिख दिए, ठीक है। क लिखे ना, क लिखे, ये कौन सा अक्षर है बोलो। कौन सा अक्षर है? क। आ क में हम जोड़ दिए, ऐड किए, ठीक है। छोटी ई की मात्रा इसमें हम ऐड कर दिए। कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। तो क्या हो गया? क, अक में छोटी ई की मात्रा हमने लगा दिया, तो क्या हो गया? की। क्या हो गया? की, ठीक है ना। क में हमने छोटी की मात्रा लगाया तो क्या बन गया? की, ठीक है। उसी तरह देखो की हुआ, उसी प्रकार हम लोग जिसे यहां अगला लेते हैं, क्या हुआ? ख, ठीक है ना। ख, ख में हमने छोटी की मात्रा जोड़ दिया, तो क्या हो गया बोलो? खी। क्या हो गया? खी। क्या हो गया? खी, ठीक है, ठीक है। उसी तरह ग, ग में हमने छोटी ई की मात्रा लगाया तो क्या हो गया? ये है ग, आ ग में हमने छोटी ई की मात्रा लगाया तो क्या हो गया? गी, ठीक है। उसी तरह दूसरा अक्षर है हम लोग का, क्या है? घ, घ में हमने छोटी की मात्रा लगाया तो क्या हो गया बोलो? क्या हुआ बोलो? घी। क्या हो गया? घी, ठीक है। उसी तरह हमने ये कौन सा है? च, अच्छा में हमने छोटी मात्रा ऐ लगाया तो क्या बन गया बोलो? च में लगाया बोलो? च में हमने छोटी की मात्रा लगाया तो क्या बन गया? ची। क्या बन गया? ची, ठीक है। अभी इसमें ध्यान देना, ठीक है ना। इसी तरह कोई भी अक्षर लिखकर इसमें तुम लोग बना सकते हो। जैसे मान लेते हैं फ, ये है फ, अब फ में हमने क्या लगाया? ये लगाया छोटी की मात्रा तो क्या हो गया? फ में छोटी की मात्रा लगाया तो क्या हो गया?
फी, क्या हो गया फी, ठीक है। उसी तरह ये ले लिए हम कौन सा अक्षर है ला, ला में हमने छोटी की मात्रा लगाया तो क्या बन गया बोलो, ये ल है, ल में छोटी की मात्रा लगाया तो क्या बन गया ली। ये कौन सा है ह, ठीक है ना, ह में हमने छोटी की मात्रा लगाया, ठीक है, ये ह, ह में हमने छोटी की मात्रा लगाया तो क्या बन गया ही, क्या बना ही, ठीक है ना, इसको ध्यान देना हमेशा छोटी की मात्रा, ठीक है। पहले हम लोग क्या पढ़े थे, ये क, कौन सा अक्षर है क, क में हमने छोटी की मात्रा लगाया तो क्या बन गया की, ख, ख में छोटी की मात्रा लगाया तो क्या बन गया खी, ग, ग में छोटी की मात्रा लगाया तो घी, घ में, घ, घ में छोटी की मात्रा लगाया तो क्या हो गया घी, च, च में छोटी की मात्रा लगाया तो क्या हो गया ची, ठीक है। इसे फ, फ में छोटी की मात्रा लगाया तो क्या हो गया फी, ठीक है। इसी प्रकार ल, ल में छोटी की मात्रा लगाए तो क्या बन गया ली, ठीक है ना। उसके बाद है ह, ह में हमने छोटी की मात्रा लगाया तो क्या बन गया ही, ठीक है ना। इसी प्रकार तुम लोग कोई भी अक्षर लेना, अक्षर में लगाकर छोटी की मात्रा बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं हम ये लिए बोलो ब, ये ना, ठीक है, तो ब में हमने छोटी की मात्रा जोड़ेंगे चाहे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, क्या होगा बी, वेरी गुड, चलो अब समझ गए ना, हैं, ठीक है, ये हो गया बी, ठीक है। इसी के आधार पर हम तुमको होमवर्क दिए हैं और उसको एक पेज लिखना है, ठीक है ना, एकदम ध्यान से लिखना, ठीक है। देखो हमने दिया है, ठीक है ना, बोलो ये है ना, जैसे क, क में छोटी की मात्रा लगाया तो की, उसी तरह खी, गी, घी, ठीक है ना। उसी तरह तुम लोग एक पेज इसको लिख सकते हो, ठीक है ना, बोलकर लिखना क, क में छोटी की मात्रा लगा दिए तो हो गया की, खी, गी, घी, ठीक है। अब उसी पर आएगा तुम लोग, ठीक है ना, उसी तरह लिखेगा च, च में छोटी की मात्रा लगा दिए तो, लगा दिए तो क्या हो गया ची, छ में लगा दिए तो छी, हैं, ज में छोटी की मात्रा तो जी, झ में लगा दिए छोटी की मात्रा जी, ठीक है ना। बच्चे इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना, और धीरे धीरे पढ़ना, और जैसे हम सुंदर लिखे हैं उसी तरह सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना, ठीक है ना, एकदम ध्यान से लिखना, ठीक है, और एक पेज लिखना और बोल के लिखना, मुंह बंद करके नहीं, बोल के लिखना होगा, जिससे तुम्हारा वर्ड सब जो आएगा शुद्ध शुद्ध बोलने आएगा एक मात्रा, ठीक है। हमने इसी प्रकार इंग्लिश का होमवर्क दिए हैं, इसको भी कर लेना है तुमको, ठीक है, पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, ए पी, एप, एप में लगा दिए सी तो हो गया कैप, सी ए पी कैप, बोला ए पी एप, एप में हमने लगा दिया सी तो सी ए पी कैप हो गया, उसमें जी लगा दिए तो जी ए पी गैप, इसी तरह बोलना है तुमको,
इसमें लगा एम ए पी मैप, एन ए पी नैप और आर ए पी रैप, ठीक है ना। ठीक है, देखो यहाँ ए पी एप, सी ए पी कैप, जी ए पी गैप, एम ए पी मैप, एन ए पी नैप और आर ए पी रैप। और एक चीज ध्यान दो, ये जो तुम्हारा 1 2 3 4 लाइन्स है ना, फोर लाइन्स में ये ध्यान रखना तुम, ठीक है ना, कि फोर लाइन्स में हम जब लिखेंगे तो कोई जो लेटर आते हैं, कोई तीन लेटर तीन लाइन में जाते हैं और कोई टू लाइन्स में। देखो हमने ए को कितना लाइन में लिखे हैं, 1 2 2 लाइन में लिखे है ना, उसी तरह उस तुम लोग लिखेगा तो तुम्हारा राइटिंग भी सुंदर होगा और ये जो वर्ड लिखेगा वो भी सुंदर होगा। इसी तरह साफ साफ तुम लोग घर पे लिखना और बोलना, ठीक है ना, बोल बोल के लिखेगा और देख लो कैसे लिखे हैं, एकदम उसी लाइन पर लिखना है, ठीक है ना, ध्यान रहेगा एकदम, ठीक है। उसी प्रकार तुमको हमने मैथ का होमवर्क भी दिए हैं, ठीक है, मैथ का भी होमवर्क तुम लोग कर लेना है, ठीक है। उसके साथ साथ ये पढ़ा चुके हैं तुमको हम लोग, ठीक है ना, 21 प्लस 34, ठीक है। उसी तरह 2 5 25 प्लस 1 2 12, 3 4 34 प्लस 12, 4 5 45 प्लस 1 4 14, 5 6 56 प्लus 2 3 23, 2 8 28 plus 1 1 11, 3 4 34 plus 2 5 25, 2 0 20 plus 2 5 25, 2 6 26 plus 1 3 13, 3 7 37 plus 2 1 21, ठीक है ना, हमने पढ़ दिया। इसी तरह पढ़कर तुम लोगों को बताए हैं कि राइट साइड में जो नंबर से उसको ऐड करना, फिर लेफ्ट साइड वाले को ऐड करना, ठीक है, ओके, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है, वेरी गुड।